ज्वाला जी के ही रहने वाले एक श्रद्धालु द्वारा दान किया गया वाटर कूलर बस स्टैंड ज्वाला जी में मात्र 100 पीस बंद कर रह गया है। हैरानी की बात ये है कि 1.5 महीने से वाटर कूलर यहां नगर परिषद की ओर से रखा गया है, लेकिन पानी का कनेक्शन लगवाने में विभाग अभी भी मौन ही बैठा हुआ है। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उन्होंने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। हैरानी की बात ये है कि नवरात्र शुरू होने में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के वायदे संबंधित विभागों के धरातल पर कितने नजर आ रहे हैं। ज्वालामुखी के रहने वाले एक श्रद्धालु द्वारा दान किए गए वाटर कूलर को बस स्टैंड ज्वालामुखी पर स्थापित किया गया था, लेकिन वो मात्र शोपीस बनकर रह गया है। इस वाटर कूलर में पानी के कनेक्शन को लेकर नगर परिषद ज्वाला जी का तर्क है कि वाटर कूलर में पानी की सप्लाई पहुंचने के लिए उन्हें नेशनल हाईवे की सड़क में खुदाई करनी पड़ेगी, जिसे लेकर उन्होंने हमीरपुर स्थित नेशनल हाईवे के अधिकारियों को 2 बार ईमेल करके इसकी परमिशन लेने के लिए भी बात की, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। नगर परिषद का कहना है कि जैसे ही उन्हें अनुमति मिल जाती है, वे सड़क खोदकर इसमें पाइप निकालकर इस वाटर कूलर को चालू कर देंगे। हैरत की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी नगर परिषद विभाग ने वाटर कूलर में पानी की सप्लाई देने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढा है, और दूसरी ओर विभाग अपना पुराना राग अलाप कर इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रावत से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें यहां उनके विभाग की ओर से खुदाई का काम शुरू किया जाएगा, ये पानी का कनेक्शन कूलर में लगवा दिया जाएगा। हैरानी की बात है कि नवरात्रे शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन शेष हैं और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का वायदा विभाग के धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है, और वे किससे छिपे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्वालामुखी बस स्टैंड में एक वाटर कूलर पिछले 2 महीने से लगा हुआ है, लेकिन आज तक इसे चालू नहीं किया गया। आईपीएच विभाग इस वाटर कूलर को पानी का कनेक्शन नहीं दे रहा है। लोगों ने विभाग से गुजारिश करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द विभाग इस वाटर कूलर में पानी का कनेक्शन दे, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। ज्वालामुखी बस स्टैंड के पास जो एक वाटर कूलर लगा हुआ है, उसका आज तक जो है वो आईपीएच जो है वो कनेक्शन नहीं दे सके, और इसके रखरखाव का भी बहुत बुरा हाल है, और ये एक इशू बन चुका है, और ये किसी का कूलर नहीं, ये बुत बन चुका है। इसलिए प्रशासन से, सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि इस कूलर को चालू किया जाए, ताकि दुनिया को कुछ रात पानी की मिल सके। ज्वालामुखी बस स्टैंड में वाटर कूलर पिछले लगभग 2 महीनों से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो पाया है। आईपीएच विभाग अभी तक इस वाटर कूलर में पानी का कनेक्शन देने में असमर्थ रहा है, और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा आईपीएच विभाग से जल्द इस वाटर कूलर को पानी का कनेक्शन दिया जाए, जिसे यात्रियों को सुविधा मिले, और आने वाले नवरात्रों में जो यात्री दर्शनों के लिए ज्वालामुखी मंदिर में आते हैं, उनके लिए भी पानी की सुविधा उपलब्ध की जाए। ज्वालामुखी में आने वाली 29 सितंबर को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, और नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मामले में आईपीएच विभाग के एसडीओ प्यारेलाल ने कहा कि बस स्टैंड ज्वालामुखी में स्थित वाटर कूलर में पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस बारे में आज ही उन्हें पता चला है। विभाग जल्द ही पानी का कनेक्शन इस वाटर कूलर के लिए मुहैया करवाएगा, ताकि लोगों को पीने का पानी 24 घंटे मिल सके। कार्यक्रम में वक्त चले छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।